जी देखिए, जेल नंबर दो में भगवंत मान यहाँ से सीधा पहुंचेंगे। अब से 5 से 7 मिनट पहले ही भगवंत मान तिहाड़ जेल में दाखिल हुए हैं। मुलाकात का जो टाइम है वो तकरीबन 12 बजे है। अब से कुछ देर में वो मुलाकात शुरू भी हो जाएगी। सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 20 मिनट की ये मुलाकात रहने वाली है। और इस मुलाकात को लेकर इससे पहले भी पंजाब के जो ADG थे, CM सिक्योरिटी, वो भी तिहाड़ जेल पहुंचे थे और एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग की गई। भगवंत मान जब तिहाड़ जेल में पहुंचे हैं तो कड़ी सुरक्षा के बीच में पहुंचे हैं। पंजाब पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी उनको एस्कॉर्ट करते हुए तिहाड़ जेल लेकर आई है। तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि 20 मिनट की अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात होगी। ये मुलाकात जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक ही करवाई जाएगी। किसी भी तरीके का VIP ट्रीटमेंट अंदर नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोई भी मुलाकात जब तिहाड़ जेल के अंदर किसी भी प्रिजनर से या अंडर ट्रायल प्रिजनर से कराई जाती है तो एक शीशे की लेयर होती है, उस शीशे की लेयर के पीछे ही दोनों बैठे होते हैं। भगवंत मान की मुलाकात भी कुछ इसी तरीके की रहने वाली है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उस मुलाकात के बाद भगवंत मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि कल संजय सिंह ने तमाम सवाल खड़े किए थे इस मुलाकात को लेकर। तिहाड़ प्रशासन पर कई सवाल जवाब और कई चीजें उन्होंने रखी भी थी, लेकिन तिहाड़ प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जेल के अंदर बिल्कुल जो रूल रेगुलेशंस हैं वही उसी तरीके से फॉलो हो रहे हैं। ये भी प्रशासन की, जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया था, वो किसी के लिए भी अलग नहीं है। जितना आप नजर बनाए रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने NDA पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 400 पार बोलने वाले घबरा गए हैं, 400 पार बोल बोलकर गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इनको पता है कि हार रहे हैं। तो लालू, बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। अब आपको सुनवाते हैं मेरठ जिले के सरधना। जिले में बदमाशों को दिया गया योगी का अल्टीमेटम। योगी ने माफिया मुख्तार का जिक्र इशारों इशारों में करते हुए उसे दंगाई बताया। योगी ने कहा कि कर्फ्यू लगवाने वाले दंगाइयों को BJP सरकार ने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। मुरादाबाद में भी योगी ने अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचने का दावा किया। योगी ने कहा कि बदमाश या तो जेल में हैं या जहन्नुम में पहुंच गए हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था, आस्था के साथ खिलवाड़ करना ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। ये BJP की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है। आपको बता दें वेस्ट यूपी में कानून व्यवस्था एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। BJP का आरोप है कि SP BSP की सरकारों ने बदमाशों को संरक्षण दिया था, लेकिन योगी सरकार बनते ही ऐसे अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाया जा रहा है। योगी सरकार अपनी इस उपलब्धि को लोकसभा चुनावों में भुनाने की कोशिश कर रही है, तो खुले मंच से अपराधियों को भी सुधर जाने की चेतावनी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सियासी समझ और चुनावी रणनीति पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं और सवाल उठाने वाले कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद, जिनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं दरअसल वो देश के असल मुद्दों से भटक गए हैं। उन्होंने तो यहां तक राहुल गांधी को नसीहत दी है कि वो भारत को ना जोड़ें बल्कि पाकिस्तान को जोड़ें। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पर भड़के गुलाम नबी, भारत जोड़ो यात्रा पर ही उठाए सवाल। भारत नहीं, पहले पाकिस्तान को जोड़े राहुल। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा हमला किया है। आजाद ने राहुल और कांग्रेस की सियासी और चुनावी समझ पर ही सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को निरर्थक बताते हुए आजाद ने दावा किया कि राहुल देश के असल मुद्दों से अनजान हैं, इसीलिए देश जोड़ने के लिए उन्होंने यात्रा निकाल ली। जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई। आजाद ने कहा कि भारत तो 70 साल पहले ही जुड़ चुका है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं पता है कि नेहरू और पटेल भारत को काफी पहले ही जोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई सोच नहीं बची है, इसलिए पार्टी देश के असल मुद्दों को पकड़ ही नहीं पा रही है। उन्होंने तंज किया कि जब भारत पहले ही जुड़ा है तो कांग्रेस से लोग कैसे जुड़ेंगे। मैंने कहा भारत जोड़ो, अरे भारत तो जोड़ गया है सरदार पटेल और नेहरू ने 1947 में, तुम पैदा नहीं हुए, तुमका हिस्ट्री पढ़ो, तुमसे तो अभी भारत जुड़ा ही, भारत कब का 75 साल हुए जुड़े हुए। जिस आदमी को ये भी नहीं मालूम है कि भारत जुड़ गया है 75 साल और वो आज 75 साल के बाद यात्रा निकलना है, उसमें कौन वो ही जुड़ेगी, क्योंकि दुनिया इतनी पागल नहीं है कि वो सोचेंगे भारत जुड़ा नहीं। गुलाम नबी आजाद पहले भी कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा चुके हैं। अपनी चुनावी रैली में बोलते हुए आजाद ने राहुल गांधी पर तंज भी किए। आजाद ने कहा कि पाकिस्तान टूट चुका है, अगर उन्हें जोड़ना ही था तो वो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपस में जोड़ दें। कौन सा हिस्सा हमारे हिंदुस्तान का टूट गया, पाकिस्तान का टूट गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहां तो कोई टूटा नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी का, तो जिनको मुद्दा नहीं मालूम कि देश का मुद्दा क्या है, देश का मुद्दा महंगाई है, देश का मुद्दा बेकारी है, देश का मुद्दा बेरोजगारी है। राहुल गांधी पर हुए इस हमले से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस ने भी आजाद पर जबरदस्त पलटवार किया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि खुद गुलाम नबी आजाद की सारी सियासत कांग्रेस के भरोसे रही है। जनता से दूर रहने वाले आजाद जैसे नेताओं को जनता खुद जवाब देगी। गुलाम नबी आजाद को भी ये भी नहीं पता है कि या होगा कि जो पार्टी बनाई वो जुड़ी नहीं है, टूट गई है, नाम नाम है, तो उनको चूंकि कांग्रेस लगातार राज्यसभा भेजती रही है, कोई मेहनत तो मशक्कत से जीत के तो आते नहीं थे। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी उपेक्षा की वजह से कांग्रेस छोड़ दी थी। पार्टी छोड़ते वक्त आजाद ने दावा किया था कि कांग्रेस पूरी तरह से जनता से कट चुकी है और उसका शीर्ष नेतृत्व चाटुकारों से घिरा हुआ है। अब आजाद अपनी पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उनका मुकाबला उनकी पुरानी पार्टी कांग्रेस से भी है, इसीलिए कांग्रेस और उनके नेताओं के खिलाफ आजाद मोर्चा खोले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कन्हैया कुमार को टिकट देने पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी, मनोज तिवारी को कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कन्हैया कुमार पर हमला, कहा देश विरोधी घटनाओं में रहे हैं,
शुमार कन्या कुमार, उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए विकास को देखना चाहिए। टिकट मिलने के बाद बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, कहा हम लोकसभा चुनाव मजबूत।